हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अजय टकरिया और आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड रिव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वागत वागत तो बहुत हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जो इस वीडियो में कैनवा के बारे में बताऊंगा। कैनवा आखिर है क्या? कैनवा एक बहुत ही अच्छा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसे जो है आप यूज कर सकते हैं एज ए क्रिएटर के तौर पे और एज ए यूट्यूबर के तौर पे, ब्लॉगर के तौर पे, मतलब कि कोई भी तरीके का आप अगर इन्वेंट करना चाहते हो, जैसे कि आपका ब्लॉगर है, यूट्यूब चैनल है, या तो फिर बहुत सारे टेम्पलेट आप बनाना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप बहुत ही अच्छा अपने लिए टेम्पलेट बना सकते हैं। किस तरीके से टेम्पलेट बनाना है, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज करना है, टोटल ओवरव्यू जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरीके से यूज करेंगे, साइन इन करेंगे, किस तरीके से जो है टेम्पलेट वगैरह चॉइस करना है यूट्यूब के लिए या किसी ब्लॉग के लिए या अपने किसी भी, मतलब हर एक चीज के लिए यहाँ पे जो है अवेलेबल है। और ये बिल्कुल जो है फ्री है, आप इसे जो है फ्रीली यूज कर सकते हो। मानो कि आपको अगर इंस्टाग्राम पे अगर बहुत सारे अगर टेम्पलेट बना के पोस्ट करने हैं, तो वो भी काम जो है आप इसमें इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है एक तो HD क्वालिटी में आता है और काफी इसका जो लुक है, काफी इंटरफेस जो है काफी अच्छा है। एक नॉर्मल सा आदमी भी बहुत ही इजीली जो है इसमें अपना बना सकता है टेम्पलेट वगैरह, ठीक है। और अगर आपको अगर यूट्यूब का थंबनेल वगैरह भी बनाना है, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है बना सकते हैं। तो चलिए सिंपली जो है मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाता हूँ, वहीं पर टोटल चीज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है उस एप्लीकेशन को यूज करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हम जो है अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं मोबाइल के। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ये वाला एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है और इसका नाम कैनवा है। आप प्ले स्टोर में जाके कैनवा सर्च करेंगे तो आपको ये वाला आइकन दिख जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना है, तो ठीक है। अगर फिर नीचे तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो आपको जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये एप्लीकेशन यूज़ करने में। और ये देखिए, ये अभी जो है ओपन हो रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। और हाँ, ये एप्लीकेशन जो है इंटरनेट यूज़ करता है, तो आपके मोबाइल में जो है डाटा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी चॉइस कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी है। चॉइस करने के बाद आप सिंपली उसमें क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए ये आपका अकाउंट जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे टेम्पलेट्स वगैरह अब यहाँ पर शो होंगे। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसके लिए जो है ये थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सारे टेम्पलेट जो है हमारे मोबाइल पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो है मैंने पहले से सर्च करके रखा है, इसके लिए जो है ये ऊपर आपको ये क्रिएटर डिज़ाइन वगैरह मिल रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, एनिमेटेड सोशल मीडिया के लिए, और यहाँ पे देखिए वीडियो के लिए, पोस्टर के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, स्टोरी के लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप यहाँ से अपना खुद का अगर टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगो वगैरह बना सकते हैं, माने कि आपको अपने किसी इंस्टाग्राम का लोगो बनाना है या किसी यूट्यूब चैनल का लोगो बनाना है, तो वो भी जो है आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे से एक यूट्यूब का जो है यहाँ पे यूट्यूब का मैं यहाँ पे थंबनेल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर सिंपली मैं सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो ये हमें जो है यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर देखिए यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ गया, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है YouTube थंबनेल, मैंने जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे देखिए मुझे काफ़ी सारे जो है यहाँ पे थंबनेल मिल गए। तो अब ऐसा नहीं है कि ये थंबनेल जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, आप इसे जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो है मैं यहाँ पे से एक ये वाला पोस्टर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल कोर वर्कआउट, ठीक है। तो आप इसे चॉइस कर लेंगे, आप अपने हिसाब से जो है इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। माने कि आपको यहाँ पर टोटल कोर की जगह पे आपके चैनल का नाम लिखना है, तो आप यहाँ से अपना चैनल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे से जो फोटो दिख रहा है उसे भी आपको अगर चेंज करना है, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर टोटल चीज़ जो है आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा पोस्टर जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो है यहाँ पे अपना नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर टोटल कोर की जगह पे मैं समझ लीजिए अपना चैनल का मैं नाम लिखना चाहता हूँ। तो आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप एडिट पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे आप पहले से जो लिखा हुआ है उसे आप कट कर देंगे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ टेक एंड रिव्यूज़, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह छूट रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, थोड़ा बैक करूँगा और इसे जो है यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ताकि ये थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे। ठीक है, तो मैं इसे बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे टोटल परफेक्टली आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी लिखा हुआ है वर्कआउट, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे टेक वीडियोस, ठीक है ये हमने लिख दिया। अब मैं जो है इसे भी थोड़ा सा यहाँ पे से खींच के बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो ये ऊपर लिखा हुआ है 28Z चैलेंज, आप ये सबको भी जो है यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे से रहने देने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ये फ़ोटो अगर चेंज करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको अपलोड या तो फिर फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कई सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, तो आपको अगर इसमें से कोई फ़ोटो अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, तो फिर सिंपली आप अपलोड्स पे जाएंगे। अपलोड्स पे जैसे ही जाते हैं तो आपके मोबाइल में जो फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियोस वगैरह होता है वो आपको शो कर देगा, तो जो फ़ोटो या वीडियो आप यहाँ पे से ऐड करना चाहें, मैंने इसे पहले से ही यहाँ पे करके रखा हुआ है तो ये जो है मुझे शो हो रहा है, तो आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, आपको सिंपली आपके जो आपका जो फोल्डर है आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर होगा उसमें आपको यहाँ पे से ले जाएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए मेरे कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, ये मेरे पिछले वाले वीडियो का फ़ोटोज़ है, तो मैं सिंपली इसे ही जो है यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि जो है यहाँ पे अच्छा बने। तो यहाँ पे देखिए ट्राई फ्री, ठीक है, तो आप यहाँ से कट कर दीजिए, हमें जो है यहाँ पे फ्री वर्जन ही यूज़ करना है, तो हमें जो है ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो मैंने चॉइस किया था वो यहाँ पे अपलोड हो रहा है, तो ये जैसे ही अपलोड होता है हम जो है यहाँ पे इसको भी जो है यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जब तक अपलोड होता है मैं यहाँ पे थोड़ा पोज कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पोज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारा फ़ोटो जो है अपलोड हो चुका है। सिंपली मैं इस फ़ोटो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये हमारा फ़ोटो आ चुका है। अब सिंपली जो देखिए अब जो पिछला वाला बैकग्राउंड था जो है मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, वापस जो है मैं इसे बैक कर लेता हूँ और इसे जो है यहाँ पे से रिप्लेस पे क्लिक करके मैं अपना वाला फ़ोटो जो है यहाँ पे डाल देता हूँ, और पहले वाला जो मैंने डाला था उसे जो है मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का जो थंबनेल है वो काफ़ी यहाँ पे से जो है अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं इसे कलर के हिसाब से, तो आप यहाँ पे से देखिए कलर के हिसाब से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, मतलब कि जैसा आप करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इस नाम को थोड़ा सा यहाँ पे से नीचे कर देता हूँ और इसे जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारा जो पोस्टर है वो क्लियरली दिख सके। देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक सिंपल सा जो है यहाँ पे से जो है मैंने अपना एक सिंपल सा जो है यहाँ पे मैंने बनाया है। अब जो है मैं इसे भी एडिट कर देता हूँ इन जस्ट 1 मिनट्स, ये हमने जो है यहाँ पे डाल दिया। इसे भी जो है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियरली शो हो जाए। ठीक है, ये हमने कर दिया, अब ये हमने कर दिया। अब चाहे तो आप ये साइड वाले को भी जो है हटा सकते हैं, ये इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक जो है मैं यहाँ पे लूगो डाल दूँ हमारे वीडियो का, हमारे जो यूट्यूब चैनल का है वो यहाँ पे से लूगो मैं डाल देता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा, अपलोड में जाने के बाद यहाँ पे फिर से अपलोड मीडिया पे जाऊँगा, अपलोड मीडिया के जाने के बाद यहाँ पे से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद मैंने जिस भी फोल्डर में आपने जो रखा होगा वो आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर PNG रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूँगा, अपना जो YouTube चैनल का जो लोगो है वो यहाँ से जो है मैं यहाँ पे से ये वाला डालूँगा इसमें। ठीक है, तो हमने ये और ये सॉरी ये गलत आ गया, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। वापस जो है हम यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाते हैं, अपलोड में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा पहले का एक वीडियो, हाँ ये जो है हम यहाँ पे से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे से थोड़ा सा हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं इसे,
डन कर देते हैं। कहाँ गया, हाँ ये हो गया। अब सिंपल इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसे हम यहाँ पे से साइड में ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है। अब सिंपली आप इसे सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में ऊपर यहाँ पे सेव का आइकन मिल जाएगा। आप देखिए सेव एस इमेज यहाँ पे सजेस्टेड कर रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो किसी फोल्डर में अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। लिंक वगैरह अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सेव एस इमेज पे क्लिक करूँगा और ये हमारा फ़ोटो जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी ये हमने सेव पे क्लिक किया और ये हमारा फ़ोटो देखिए यहाँ पे सेव हो रहा है। इसे आपको अलाउ कर देना है, जो भी आपको अलाउ मांगता है यहाँ से आप यहाँ पे से अलाउ कर देंगे। तो ये तो हमारा फ़ोटो है, इसे हम सेव कर लेते हैं। और उसके बाद बताता हूँ कि आप बाकी चीज़ों को भी जो है किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है। देखिए ये हमने कर दिया, कैंसिल कर देता हूँ। गो टू होम, गो टू योर होम पेज। तो हम होम पेज पे जाते हैं, ये हमारा कैनवा जो है वापस ऑन हो गया। इसे जो है हम ज्वाइन कर सकते हैं, रिफरल की तरह है। ठीक है, तो इस रिफरल लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसे बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्राई फॉर फ्री, तो हमें जो है इसे फ्री ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ से काट देते हैं, हम ये सब वगैरह नहीं लेंगे। वापस हम होम पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कई सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिस तरीके का टेम्पलेट आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने तो आपको एक यूट्यूब का थंबनेल बना के दिखा दिया है। माने कि आपको अपने किसी चैनल का या किसी चीज़ का अगर लोगो बनाना है, समझ लो व्हाट्सएप का ही लोगो बनाना है बिजनेस यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे, यहाँ पे देखिए आपको लोगोज मिल जाएंगे। अगर गेम वगैरह, गेम का अगर लोगो आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए लोगो वगैरह चॉइस कर सकते हैं। देखिए इस ये लोगो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अगर कोई गेमर है, गेम अगर खेलना चाहते हैं या गेम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और कोई गेम चैनल का अगर नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मेरा एक पहले एक चैनल था यूट्यूब का, तो यहाँ पे देखिए गेम का यूट्यूब चैनल था। तो मैं यहाँ पे फंकी भाई, बस मैंने इतना दे दिया। अब इसे जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये यहाँ पे से खींच लेता हूँ, ये बराबर काम नहीं करता कभी कभी। अब यहाँ पे से हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्लियरली जो है ये दिखे। ये देखिए इसे जो है हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं। आप बहुत ही इजीली, बहुत ही नॉर्मली, जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम देंगे उतना ही क्लियरली आपका यहाँ पे ये बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमने बीच में दे दिया। बस अब ये गेम को भी जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, फंकी भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना खुद का जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है बहुत अच्छा अच्छा थम क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लोगो वगैरह। मैं इसे बैक कर देता हूँ, ये मेरा उसमें जो है सेव हो गया होगा ड्राफ्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो आप बनाते बनाते अगर आपका मोबाइल अगर कहीं स्विच ऑफ वगैरह हो गया या डिलीट वगैरह हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे सेव हो गया, क्योंकि मैंने जो है इसे ऐसे ही बैक कर दिया था, इसे बिना सेव सेव किए ही बैक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऐसे ऐसे टेम्पलेट भरे पड़े हैं और सारे के सारे जो है फ्री है। मुश्किल से आपको एक आध अगर पेड मिल भी जाता है तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों कितना आसानी से जो है आप कैनवा एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। इसका जो है आपको वेबसाइट भी वर्जन मिल जाएगा, जिसे जो है आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप वगैरह में भी जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है कि आप जो है वेबसाइट में बहुत ही इजी और बहुत ही स्मूथली जो है यूज नहीं कर पाएंगे। वही अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन को जो है आप बहुत ही स्मूथली यूज कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि वेबसाइट जो है वो रेगुलरली जो है मतलब कि ऑपरेट नहीं हो पाता है बराबर। अगर आपके पास अगर बहुत अच्छा अगर इंटरनेट है तो ही हो सकता है कि आप जो है उसे इजीली जो है ऑपरेट कर पाओ, लेकिन एक नॉर्मल यूजर्स के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। हर कोई जो है उसे यूज नहीं कर पाएगा canva.com को। लेकिन आप अगर एप्लीकेशन अगर यूज कर सकते हो तो आपके पास अगर एक नॉर्मल सा छोटा सा भी इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब कि आप अगर सिम से भी इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो बिना विदाउट वाईफाई से, विदाउट राउटर से, तो पर भी जो है आप इजीली जो है इसे यूज कर पाओगे। और ये जो है किसी भी हर एक के हाथ में तो एंड्रॉइड फोन है ही, तो एंड्रॉइड फोन के जरिए जो है वो इस्तेमाल कर ही लेगा। ठीक है,
तो आई होप कि मैंने जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही समझाया होगा, बहुत ही मतलब कि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छी तरीके से समझा दिया होगा किस तरीके से आप टेम्पलेट वगैरह सर्च करेंगे किस तरीके से। माने कि आपको अगर ब्लॉग के लिए अगर टेम्पलेट बनाना है तो आपको सिंपली जो है सर्च ऑप्शन में जाना है, सर्च कर लेना है ब्लॉगर टेम्पलेट और आपको जो है वो मिल जाएगा। तो आप इजीली जो है इसे टेम्पलेट वगैरह थंबनेल वगैरह लोगो वगैरह हर एक चीज जो है आपको canva.com में या कैनवा एप्लीकेशन में जो है मिल जाता है। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल और जितना हो सके जो है कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो है ठीक से समझाया होगा। गुड लक।